तो मिसेस वर्मा को पूरा सबूत दिखा के रहूंगी। इनका कुत्ता रोज आके हमारी गाड़ी पे मूत के चला जाता है, घर के आगे पोटी करके चला जाता है। वैसे तो मानेगी नहीं, लेकिन आज तो मनवा के रहूंगी। सबूत देखेगी तब तो मानेगी ना कम से कम। मिसेस वर्मा, अरे ओ मिसेस वर्मा, अरे फिर आगी सुबह सुबह ये बेरहना कितना रहेगी। हाँ बोल मिसेस शर्मा, देखो और कुछ काम नहीं है क्या? सुबह सुबह मुंह उठा के आ जाती है मेरे घर के बाहर लड़ने। हाँ और थारा कुत्ता रोज मारी गाड़ी पे मुंह का जान लग रहा है उसका के? कुत्ता नहीं बेटा है वो, मेरा बेटा। हाँ वो तेरा बेटा रोज मारी गाड़ी पे मुंह का जा है। अरे तेरा तो रोज का काम है, तेरा कुत्ता ये करता है, तेरा कुत्ता वो करता है, कुछ सबूत है तेरे पास? रोज मुंह उठा के आ जाती है, तेरी शक्ल देख के मेरा दिन और खराब होता है। सबूत सबूत आज मैं साथ लेके आई हूँ, ये देख। अब तो मानेगी, पकड़ इसको। जरूरी थोड़ी ना ये मेरा ही कुत्ता हो, क्या पता किसी और का कुत्ता हो। इतने कुत्ते रहते हैं सेम टू सेम यहाँ पर, तो इसके घर में भी और उसके घर में भी है। हो कितनी बेशरम है तू, अपने कुत्ते ने कुत्ते ना मानती। ना कुत्ता को नहीं मानती मैं तो, मेरा तो बेटा है वो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, और तो मैं तेरा सर फोड़ के रहूंगी। तेरा तो सर भी फूटेगा मेरे बेटे के चक्कर में। मेरे बेटे को कुत्ता बोलती है, हैं? सर तो मैं आज चोटा फाड़ के जाऊंगी, रुक जा। ये क्या करा है तूने? हाँ क्या करा है? बैड बॉय जारू, बैड बॉय। ओके नहीं नहीं, गुड बॉय गुड बॉय। कोई नहीं, मम्मा साफ कर देगी ना। मैं बोलू आज मेरा बच्चू ना आएगा, बोली लेने। आज मेरा बेबी का नाइन नाइन डे है, आज मेरा बेबी ना आएगा। ये मेरा गोल्ला गोली। चलो चल चल कुत्ते चल चल, चलो नाने जारू, चलो नाने चल चल चल। अरे चलो चल। गाइस डॉगीज को निलाना ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा डॉगी तो नहाते हुए बहुत नखरे करता है। अगर आप भी डॉग लवर हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि डॉगी को निलाने की मेहनत क्या होती है। अगर आप भी ये मेहनत करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी ये भाग रहे, इसको लेके जाओ निलाने के लिए। चल 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 चल, चल, चल। अरे हर जगह बीच में आना जरूरी होता है क्या तेरे को? काम भी नहीं करने देता सही से, चाटने के लिए आ जाता है हमेशा। चटोरा कहीं का, लट मेरे को झाड़ू लगा दे वरना मेम साहब बहुत मारेगी मेरे को। लट जा। अरे यार फिर दोबारा गंदा कर दिया तूने ये। क्या चाहता है तू? जीने नहीं देगा मुझे? बेकार कुत्ता, पता नहीं मेम साहब ने कुत्ता भी कैसा पाल लिया है। अरे भाई साहब हट जा फिर से, हटो हटो। चलो 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 हटो हटो। अरे हट जो। ये देख नया कलेक्शन। वाओ। ए हट रे। अरे हट ना, साफ सफाई करने दे मेरे को, मेम साहब बहुत मारेगी मेरे को। हट जा रस्ते से, हट जा। ए ए मेरे गमछे के पीछे क्यों पड़ा है तू? हट हट हट। अरे ये रामू इतना शोर क्यों कर रहा है? अरे काम कर रहा होगा ना। छोड़, एक काम उससे अच्छे से होता ही नहीं है। ये बात तो तूने सही कही। अरे मेरा गमछा छोड़। अबे छोड़, अबे छोड़ ना मेरा गमछा छोड़। अरे अरे छोड़ दे मेम साहब बहुत मारेगी। अबे छोड़।
अबे मेरा गमछा छोड़। अरे मेम साहब, चल तेरे को मेम साहब के पास ही लेके चलता हूँ। छोड़ छोड़, अरे छोड़। अरे मेम साहब, अपने कुत्ते को समझाइए, मेरे गमछे के पीछे पड़ा हुआ है ये। अरे उसको गमछा पसंद आ गया होगा, तुम छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ू मेम साहब, मंगल हजार से मेरी बीबी ने दिलवाया था मुझे 30 रुपए का, मैं नहीं दे रहा इसे अपना गमछा। अरे वो वैसे भी फट गया, तुम्हारी किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी, दे दो उसको। कोई नहीं मेम साहब, लेकिन मैं तो अपना गमछा लेके रहूंगा, इसके पास इतने सारे खिलौने हैं, अपने खिलौने से क्यों नहीं खेलता। अरे छोड़ दे उसे, दे दे उसे खेलने दे, मेरा गमछा ही पसंद आया इसे। छोड़ दे रामू, ये ले नया गमछा ले लिया मेम साहब इसने। आप मुझे 2 गमछे ला के दोगे? हाँ हाँ मैं दिला दूंगी। कितना खराब कुत्ता है मेम साहब आपका, जब झाड़ू लगा तो फिर गंदगी कर देता है, जब पोछा लगा वहीं मूंद देता है, और तो और क्या करूं मैं। मेम साहब घर पे जाता तो घरवाली बोलती है हाथ में से मूंद की बदबू आ रही है तुम्हारी, अब मैं क्या करूं आप ही बताना। हमारे कुत्ते की बुराई की, तेरे को पता है वो कुत्ता नहीं बच्चा है हमारा। बच्चा? हाँ मेम साहब, मैंने आपके कुत्ते को बेकार बोला। तूने फिर उसे बेकार बोला? कुत्ते तो खेलते हैं ना, वो तेरे साथ खेल रहा था, अब तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे, अब तेरे को हम सबक सिखा के रहेंगे। नहीं मेम साहब मुझे माफ कर दो, मेम साहब माफ कर दो, आप मुझसे जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अब तो तू गया। मेम साहब, अरे बड़े अजीब लोग हैं, एक कुत्ते के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा परना भी नहीं दिया। अरे आ कुत्ता आ गया, भागो। पागल होगी क्या तुम? क्यों? तुम इससे मिलने आई हो मेरे से? बेबी, ऑब्वियसली मेरे बेबी से मिलने आई हूँ मैं, है ना मेरा जाजू। तो फिर एक काम करो, इस कुत्ते को और तुम दोनों यहाँ से निकलो। हम क्यों जाए, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे बेबी का घर है। ओ येडी, ये मेरा घर है और ये कुत्ता भी मेरा है। नहीं जी, ये कुत्ता मेरा है और पहली बार he's not a कुत्ता, he's my baby। अच्छा, तेरा नाम लिखा है इस कुत्ते पे? हाँ मेरा नाम लिखा है। अच्छा दिखा इस पे तेरा नाम का है? ये देखो, दिखा मेरा लिपस्टिक का निशान। भाड़ में जाओ तुम दोनों। बोले मेरा गोलू 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 मेरी जान। अरे वाह क्या तैयारी कर रखी है। अरे तेजस्वी कहाँ रहेगी, जल्दी आना केक काट। अरे हाँ चल चल केक काट, जल्दी काट। अरे पागल, ये केक मैं थोड़ी ना काटूंगी। तो कौन काटेगा? मेरा बेबी काटेगा। बेबी काटेगा? तूने कब कर लिया अपना बेबी, हमें तो बताया भी नहीं। अरे पागलो, पहले मेरी बेबी से मिल तो लो। हाँ बोला, हम मिलना चाहते हैं। जा रही हूँ बेबी। इसका बर्थडे है? हाँ। इस कुत्ते का बर्थडे है? मेरे जार्विश को कुत्ता बोली तू? हाँ? जार्विश जी बोल, जार्विश जी। जी जार्विश। आगे नहीं, पिच्छू जी लगा, पिच्छू। जार्विश जी। ये भी तो हमारा फैमिली मेंबर है, इसका भी बर्थडे बनेगा। तो चलो केक काट देना, जल्दी काट यार। हाँ केक काटते, जल्दी आ जा। चलो 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 चलो। अरे बैठ जाओ, चलो फूंक मारेंगे।
birthday to you. Happy birthday, dear Jarvis. जी बोल जी 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 जी. Happy birthday to you. Happy birthday, Jarvis ji. Happy birthday to you, Jaru baby. चलो अब केक खाते हैं. मेरे बेबी का बर्थडे डांस तो बनता है. ये चलो जा रही हूँ. ये बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे. बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे. तो तक ते तेरा सूट समा दूं जज्जर ते मैं घाघरा. बेबी तेरे बड़े पैगोली चलवा वेंगे. बेबी तेरे बड़े पैगोली चलवा वेंगे. याद करेगी दुनिया ऐसी धूम मचा वेंगे. तू यहीं पे रही हो. आज से तू मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है. मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ. बाय. मिस यू जार्विस. ये क्या कर रहा है? अपने डॉगी को यहाँ पे छोड़ के जा रहा है? वो बेचारा जाएगा कहाँ अगर कोई कुत्ता खा गया तो? उसे बाहर आ. क्या आपकी दिक्कत? मेरी गाड़ी के नीचे ही आके मरना है क्या आपको? ये कुत्ता तुम्हारा है? हाँ वो कुत्ता मेरा ही है. तो तुम उसे छोड़ के जा रहे थे? क्योंकि उसने मेरी फैमिली में सबको परेशान कर रखा है. मेरे को, मेरी फैमिली को, इसलिए मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ. अच्छा तो परेशान कर रखा है तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ जाओगे बीच रोड पे? अगर उसको कुछ हो गया फिर? आप ना अपने काम से काम रखो, मेरे काम से नहीं. ओके हटो मेरे रास्ते से. अगर उसकी जान चली गई या कुत्ता उसे खा गया तो तुम क्या करोगे? उसको कोई कुत्ता खाए या जानवर खाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. मैंने अब उसे छोड़ दिया. तुम्हें उस बेचारे की जरा सी भी फिक्र नहीं है? मुझे कोई फिक्र नहीं है. अगर तुम्हें फिक्र है ना तो तुम पाल लो उस कुत्ते को, मुझे नहीं पालना. मैं ही पालूंगी. तुम्हारे बस की तो कुछ होता नहीं है. बस उन बेचारों को दुखी करने के लिए अपने पास ले आते हो. और एक काम करना, एक एहसान कर देना मुझ पे कि आगे से कोई भी कुत्ता मत पालना, समझ गए? हाँ तो ठीक है, आज से कोई कुत्ता नहीं पालूंगा. निकलो यहाँ से. मुझे भी परेशान करके रख रखा है उस कुत्ते ने भी और इन लोगों ने भी. कोई नहीं बेटा, आज से तेरी फैमिली मैं. वैसे भी वो लोग तेरे को डिजर्व नहीं करते थे. चलो चलो मेरे घर चलो, आ जाओ. वैसे यार एक बात बता, तू रोज शाम को कुत्तों को खाना खिलाने क्यों आती है? ये बात तो सिर्फ डॉग लवर्स ही जान सकते हैं. क्यों डॉग लवर्स? हाँ ये बात है. हाँ चलो खाना दे इनको. हाँ चल खाना खिला. चल क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा. क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा.